आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमको क्वेश्चन दिया है कि हल कीजिए और हमको दे रखा है कोष्टक में ऋण का 8/9 और दूसरे कोष्टक में दे रखा है ऋण का 32/3। तो जब दो कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसका मतलब यह है कि इन दोनों कोष्टक का आपस में गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। पहले कोष्टक में दिया हमको ऋण 9/8 और दूसरे कोष्टक में दिया है ऋण 32/3। तो सबसे पहले हम कोष्टक हल कर लेते हैं। इसमें हमको दिया है ऋण का 9/8, तो ये हमने लिख लिया ऋण का 9/8। फिर जब दोनों कोष्टक के बीच में हमको कोई चिन्ह नहीं दे रखा है, इसका मतलब उनका आपस में गुणा हो रहा है। अब दूसरे कोष्टक में देखते हैं कि ये ऋण का 32 और ये ऋण का 3। अब ऋण का गुणा ऋण से हो रहा है, इधर ऋण गुणा ऋण, तो ऋण का गुणा जब ऋण से होता है तो हमको मिलता है धन। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमको इजाजत मिल जाएगा 32/3, धन का 32/3 मिल जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब अगर ये संख्या कट रही होगी तो हम इनको काट देंगे। देखो इस 3 से हम काट सकते हैं ये 9 को, तो 3 3 9, 3 बार कटेगा। इस 8 से कट जाएगा 32 4 बार, 8 6 32। तो ऊपर बच गया हमारा एक तरफ तो ऋण का 3 और इधर बच गया ये 4। तो हम जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण का 12। ठीक है, तो इसको हल करने पर हमारा आंसर आ गया ऋण 12। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।